हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। आज है तारीख 27 अगस्त और हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन है, 2019 इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आपको बताना है 2019 की इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है। तो देखिए, इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, तो इसका विषय क्या है या थीम क्या है इसकी? तो इसकी जो थीम है वह है, आपको बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, कोलैबोरेशन इन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। क्या है? कोलैबोरेशन इन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो देखिए, इंडो पैसिफिक क्या है, इसमें कई देश जो हैं भाग लेंगे और अपने अपने देश के लिए डिफेंस कॉन्फ्रेंस के लिए, मतलब कि अपने देश का महत्व बढ़ाने के लिए, रिश्तेदारी या समझे साझेदारी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। अब बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। तो थाईलैंड के बारे में हम पढ़ते हैं, थाईलैंड क्या है। तो देखिए, थाईलैंड आपको मैप में दिखाया जा रहा है, राजधानी क्या है थाईलैंड की? बैंकॉक है। और प्रधानमंत्री कौन है इस समय? प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपको इस वीडियो की PDF इस डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के मिल जाएगी। साथ ही साथ और पिछली PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अहीड ऑफ व्यू, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करते हैं, फिर देखते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन ए। तो रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप सुनिए गौर से, इसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। क्या है? अकादमिक लोमोनोसोव। देखो, 144 सेंटीमीटर ये 144 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। तो ये देखिए, मैंने इसमें आपको डिटेल दे दी है, क्या नाम है? अकादमिक लोमोनोसोव। ये 144 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा है और इसमें 21,500 टन की कुल विस्थापन क्षमता है। तो ये परमाणु रिएक्टर है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? रूस के द्वारा। तो चलिए रूस के बारे में देखते हैं। मैप में आपको रूस दिखाया जा रहा है, राजधानी क्या है रूस की? मॉस्को है। और राष्ट्रपति कौन है इस समय? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पानी में चलने वाले कीड़ों की 7 नई प्रजातियों की खोज किसने की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा भारत। तो भारत में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जलीय जीवों की 7 नई प्रजातियों की खोज की है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, भारत की बात आई तो भारत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसा कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। राष्ट्रपति आप जानते होंगे रामनाथ कोविंद हैं। और प्रधानमंत्री कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, और आपको मालूम होगा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पे कौन है? तो पहले पे है चाइना। कौन है? चाइना। और दूसरे पे कौन है? इंडिया। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पुनर्जागरण के राजा हमद अवार्ड, ये अवार्ड है, से सम्मानित किया गया है? राजा हमद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। किसको किया गया है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो देखिए, आपको मालूम होगा नरेंद्र मोदी जी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, UAE,
फ्रांस और बहरीन। कौन सी? बहरीन। तो अभी अभी बहरीन के राजा जिनका नाम क्या है, हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफ़ा। क्या नाम है उनका? हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफ़ा। ये बहरीन के क्या है, राजा हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जो बहरीन देश की यात्रा पर गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा, इस अवार्ड के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो बाहरी देशों से सबसे ज़्यादा अवार्ड से सम्मानित हो गए हैं। तो आपको याद रखना होगा ये तीन चीज़ें, क्या इस अवार्ड से किसने सम्मानित किया, बहरीन के राजा ने, और नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहरीन देश की यात्रा पर पहली बार गए हैं। साथ ही साथ ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे ज़्यादा बाहरी देशों से अवार्ड पा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं, अब बात करते हैं बहरीन। तो देखो, बहरीन की राजधानी है मनामा, क्राउन प्रिंस है वहाँ के सलमान बिन हमद अल खलीफ़ा और प्रधानमंत्री हैं वहाँ के खलीफ़ा बिन सलमान अल खलीफ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, सितंबर माह को पोषण माह बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम सितंबर माह को पोषण माह मनाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी पोषण के रूप में पूरी जागरूकता नहीं है। इस कारण इस पूरे महीने में, सितंबर माह में, पोषण के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे और जितने भी गांव हैं या शहर हैं जो भी जागरूक नहीं है पोषण से, उन सबको पोषण के बारे में बताएंगे, जानकारी बताएंगे, बचाव बताएंगे, ये सब किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के द्वारा इंजीनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रभाकर सिंह। क्या हो जाएगा? प्रभाकर सिंह। सबसे पहले दो चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर क्या है, दूसरा कि प्रभाकर सिंह कौन है। चलिए ये मैं क्लियर करता हूँ आपका। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर क्या है, ये एक भारत का मतलब कि राष्ट्रीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो कि क्या करता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। तो क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, ये है इंडिया के इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, और इसके स्टेबल कब हुआ था, ये 13 सितंबर 1920 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना होगा, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क करता है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी, 13 सितंबर 1920 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्रभाकर सिंह की। तो देखिए, प्रभाकर सिंह कौन है, ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मतलब कि चीफ पर्सनल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के क्या हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। अब इन्हें क्यों दिया जा रहा है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो इन्होंने आईआईटी से क्या किया, ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ इन्होंने टेक्निकल फील्ड में इंडिया के लिए नेशनल लेवल पर बहुत सारे वर्क किए हैं, जिनके कारण इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हैं कौन, प्रभाकर सिंह, जो कि CPWD के क्या हैं, डायरेक्टर हैं, और इन्होंने हमारे इंडिया के लिए टेक्निकल फील्ड में बहुत ही योगदान दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में $4.2 मिलियन के पुनर्विकास परियोजना का शुभारम्भ किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहरीन। तो आपको याद रखना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन में 200 वर्ष पुराने मंदिर, किसके लिए,
200 वर्ष पुराने मंदिर के पुनर्विकास के लिए $4.2 मिलियन का क्या किया है, शुभारम्भ किया है, जो कि कहाँ पर किया है, बहरीन में किया है, और बहरीन के बारे में अभी आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। राजधानी पनामा है, क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं, और प्रधानमंत्री कौन है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में साइमन केटिच को IPL की किस टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। RCB के आपको मालूम होगा कि कप्तान कौन है, तो हमारे विराट कोहली हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि RCB ने अभी तक IPL का एक भी संस्करण नहीं जीता है। तो अब पहली बात तो यह है, कौन साइमन केटिच क्या बने हैं IPL की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के, कौन बने हैं मुख्य कोच बने हैं। अब साइमन केटिच कौन है, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ अभी ये ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं, कोच भी हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट टीम के क्या हैं, ये कोच हैं। तो आपको याद रखना होगा साइमन केटिच ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, किसके बने हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के क्या बने हैं, मुख्य कोच के रूप में बने हैं। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के ये हैं साइमन केटिच। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, तो वो क्या है, कैनबरा है। क्या है, कैपिटल कैनबरा है, और वहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है वह क्या है, सिडनी है, और वहाँ के जो PM है वह कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो उसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा, क्या है, कैनबरा, ठीक है। तो कैपिटल कैनबरा हो गई, और लार्जेस्ट सिटी क्या है, सिडनी है, वहाँ की लार्जेस्ट सिटी क्या है, सिडनी है, और जो PM है इस समय वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन, कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आप लोग को डेली क्यों बताता हूँ, जिससे कि आप लोग को डेली अगर आप पढ़ोगे और वही चीज़ आपके दिमाग में बार बार आएगी, तो वो आप कभी धीरे धीरे याद करते करते आप कभी भूलोगे नहीं। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप क्या कर लोगे, उसका हाल के हाल आंसर दे लोगे। देखते हैं कल का प्रश्न। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा मनमोहन सिंह। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग आंसर दीजिए दिया करिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर आपको बताना है, और आपको बताना है किस प्रकार से। यदि आपका आंसर गुजरात है, तो आपको गुजरात के कैपिटल, गुजरात के CM और गुजरात के गवर्नर बताने होंगे, और यदि आपका आंसर महाराष्ट्र है, तो आप महाराष्ट्र के कैपिटल, महाराष्ट्र के CM और महाराष्ट्र के गवर्नर बताओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बताइएगा, जिससे आप लोग को बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।